बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल के स्विस रोल, जो बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। सबसे पहले हम बटर क्रीम रेडी करेंगे। बटर क्रीम बनाने के लिए 200 ग्राम पीसी चीनी ली है और 200 ग्राम लिया है अनसॉल्टेड बटर और थोड़ा सा वनीला एसेंस लेंगे। सबसे पहले बटर को अच्छी तरह से बीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके चीनी डालते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे। बटर क्रीम बनाने के लिए आपने ये थोड़ा सा एहतियात करनी है कि इसे आपने थोड़ा थोड़ा करके ही चीनी डालनी है और इसे बीट करते जाना है। इसे इतना बीट करेंगे कि ये अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। चीनी आपने थोड़ा थोड़ा करके ही डालनी है। और यहाँ पर आपने पीसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करना है, मोटी वाली चीनी आपने यूज़ नहीं करनी। और इसे बहुत अच्छी तरह से बीट करते जाना है। सबसे पहले बटर क्रीम इसलिए रेडी कर रहे हैं ताकि जब तक हमारा केक वगैरह बेक होगा उस वक्त तक ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। क्रीम और जेली को हम पहले बीट करेंगे और केक हम बाद में बनाएंगे। आपने भी सबसे पहले बटर क्रीम ही तैयार करनी है। अब इसे इतना बीट करेंगे ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और साथ इसमें डाल दिया है मैंने 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। और इसको डालने के बाद भी मैं इसे मज़ीद बीट करूँगी कि बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाए और थोड़ी ठीक हो जाए। ये देखें, हमारी बटर क्रीम रेडी हो गई है और इसे साइड पर रख देंगे। मैंने एप्पल जेली ले ली है और एप्पल जैम लेने के बाद इस पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा रेड फूड कलर और इसे भी थोड़ा स्मूथ कर लेंगे बीटर की मदद से। एप्पल जैम का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो आपने वही यूज़ करनी है। इसके अलावा अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप स्ट्रॉबेरी भी यूज़ कर सकते हैं। कलर डालने से इसका बिल्कुल वैसा ही लुक आएगा जैसे बेकरी वगैरह में स्विस रोल वगैरह मिलते हैं। फूड कलर ज़रूर डालिएगा ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। अच्छी तरह से ऐसे बीट करेंगे और इसे साइड पर रख देंगे। ये बिल्कुल रेडी हो गई है, इसे साइड पर कर देंगे। केक बनाने के लिए लिए हैं 4 अंडे, 60 ग्राम चीनी, 40 ग्राम मैदा, 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस और 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। सबसे पहले अंडों में डाल देंगे चीनी। 4 अंडे हैं और यहाँ पर मैंने 60 ग्राम चीनी ले ली है और इसे इतना बीट करेंगे ये थोड़ा लाइट कलर हो जाए अंडों का और चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसे इतना ही बीट करना है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह बीट हो गया है, बिल्कुल फ्लफ़ी हो गया है। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसे बीट होने में। और उसके बाद इसमें डाल दिया वनीला एसेंस, कॉर्नफ्लावर और मैदा मैंने छान कर डाल दिया है। आपने छान के ही यूज़ करना है, थोड़ा थोड़ा कर डालना है और उसे हल्के हल्के हाथ से मिक्स करते जाना है। ओवर मिक्स मत कीजिएगा वरना आपका स्पंज जो है वो बैठ जाएगा। इस तरह करके थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालते जाएं। कॉर्नफ्लोर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था और इसे आप मिलाते जाएं। इस तरह का एक मैंने ट्रे ले लिया है, उसे मैंने बटर पेपर लगा कर रेडी कर लिया था। अब जो बैटर हमने स्विस रोल का रेडी करके रखा है आप इसमें डाल दीजिए। ऐसे मार्केट में स्विस रोल के आराम से मिल जाते हैं इस तरह के ट्रे, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस पर केक को बेक करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो आप इसे मज़ीद बेक कर सकते हैं मगर इसे ओवर बेक नहीं करना वरना ये क्रिस्पी हो जाएंगे इसके साइड और फिर स्विस रोल जो है वो टूट जाता है। आप देख सकते हैं इसे चेक करने का एक तरीका है कि इसके ऊपर से जो केक आप उसे जब हाथ से टच करेंगे तो वो बैटर आपके हाथ पर नहीं चिपकेगा। इसे इतना ही पकाना और आप देख सकते हैं कि हमारा केक कितना ज़बरदस्त तरीके से बेक हुआ है, कहीं से नहीं जला। और आराम से आपने बटर पेपर को रिमूव करना है और इसे थोड़ा ठंडा करके निकालेंगे। रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करना है आपने। 5 मिनट में केक अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब मैंने इसमें लगा दिया है बटर क्रीम जो मैंने पहले से रेडी करके रखी थी। बटर क्रीम की आपने बहुत मोटी बहुत थिक लेयर नहीं लगानी, बिल्कुल बारीक बारीक सी आपने थिन सी एक लेयर लगानी है और इसे अच्छी तरह से आपने पूरे केक पर फैलाना है। और जब बटर क्रीम थोड़ी अप्लाई कर दी है तो इस पर एप्पल जैम जो हमने रेडी कर रखा है वो भी इस पर हल्का हल्का करके अप्लाई कर देंगे।
क्रीम और जैम का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और आप चाहें तो इसमें कोई फ्रूट वगैरह भी भर सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज वगैरह। और अब इसे हल्के हल्के हाथ से आपने रोल करना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपने रोल करना है, और इसे रोल करके फ्रिज में रखना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। ज्वाइंट है ना, उसे आपने नीचे रखना है, और इसे फ्रिज पर रख देंगे अच्छी तरह से बटर पेपर पर लपेट कर। इसे फ्रिज में रखना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। 15 से 20 मिनट में हमारा स्विस रोल अच्छी तरह सेट हो गया है। अब मैं इसके ऊपर भी बटर क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, और आपने पूरा अच्छी तरह से नीचे से ऊपर से आपने इसे कवर करना है बटर क्रीम से। और बटर क्रीम लगाने के बाद इस पर जैम लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से फैलाते जाएंगे, और तकरीबन एक से दो कप के करीब, जो है डेढ़ कप के करीब, आपको डेसिकेटेड कोकोनट चाहिए होगा, पिसा हुआ खोपरा चाहिए होगा इस पर कोट करने के लिए। तो मैं पिसा हुआ खोपरा इस तरह से फैला दूंगी हल्का सा। आप चाहें तो इसके नीचे आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं, फिर उस पर आप फैला सकते हैं, ताकि अगर आपके पास कोई जगह नहीं है तो। और अच्छी तरह से इसे आपने एक अच्छी सी लेयर लगानी खोपरे की, और फिर कोकोनट के ऊपर इस स्विस रोल को जो है हल्का सा आपने रोल करना है, इस तरह से हल्का हल्का आपने रोल करना है। बहुत ज़्यादा कोकोनट इस पर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि जेली वगैरह दिखनी चाहिए, और जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर भी हल्का सा क्रीम लगा देंगे और हल्की सी जैम भी लगा देंगे, ताकि ये हिस्सा भी अच्छा टेस्टी रहे। और इसे अप्लाई करने के बाद भी आधे घंटे के बाद ही आपने इसे सर्व करना है। और अगर आप एक दिन के बाद सर्व करें इस केक को, तो इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। एक दिन तो सेट होने में लगता है, अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आधा घंटा तो आप इसे रखिएगा और उसके बाद खाइएगा। फ्रेश फ्रेश बड़ा मज़ेदार बनता है। तो देखा आपने कितने आसानी से स्विस रोल घर पर तैयार हो जाते हैं। और अब जो इसके एजेस हैं वो मैं काट के छुरी से निकाल लूँगी, ताकि स्विस रोल का शेप बहुत ही खूबसूरत आए। इस तरह से आप एजेस निकाल लीजिएगा, वैसे खा लीजिएगा। और तकरीबन एक एक इंच के जो है आपने पीस काटने हैं इसके, इस तरह से अंदाजे से आप इसे काटते जाएं। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी, कितना सॉफ्ट हमारा स्विस रोल रेडी हुआ है। इस तरह करके आप तमाम पीसेस को काट लीजिएगा। कोकोनट आपने बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, वरना जेली का जैम का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं, क्योंकि खूबसूरत लगने के लिए ज़रा आपने कम ही रखना है कोकोनट को। ये देखिए कितने मज़ेदार हमारे होममेड स्विस रोल बिल्कुल रेडी है। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।